मोटापा कम करने का हर महिला का सपना होता है, महिला क्यों पुरुषों का भी होता है। मैंने आपको मोटापा कम करने के कितने सारे तरीके बताए, लेकिन आज जो मैं बताने वाली हूँ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपका किचन गंदा है तो आप मोटे रहेंगे, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आगे दूंगी। पहले शुरुआत करते हैं पहले महाउपाय से। अगर आपको हमेशा ये खतरा बना रहता है कि आपकी जॉब जाएगी या आपका ट्रांसफर होगा, तो आप ये उपाय करें। 5 ग्राम डली वाला सुरमा ले लें, उसे किसी वीरान जगह पे गाड़ दीजिए। ख्याल रहे कि जिस चीज से आप जमीन खोदेंगे आपको वो चीज वहीं पर छोड़ आनी है, वापस नहीं लानी, उसे वहीं फेंक दें। और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो वो जो सुरमा है वो डली वाला ही हो, यानी कि एक ही डली हो और मिनिमम वेट 5 ग्राम का होना चाहिए, एक से ज्यादा डली नहीं होनी चाहिए। हस्बैंड्स को कैसी वाइफ चाहिए होती है, जिनसे उनकी शादी हो गई है वो अपने रिश्तों में क्या चाहते हैं, बीवी ज्यादा बोलती है या कम बोलती है, कैसी बीवी आखिर चाहिए, कौन सी बीवी होनी चाहिए कि हस्बैंड उसे अपने दिमाग से निकाल ही ना पाए, उनके रिश्ते में कभी बोरियत ही ना आए। आज मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन हस्बैंड और वाइफ दोनों को देने वाली हूँ, ताकि 9 गुण आपके पति ऐसे आपके अंदर ढूंढे कि आपके अलावा किसी और को सोच ही ना पाए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मोटापे और किचन की गंदगी का कनेक्शन क्या है ये जानते हैं। अगर आप दुबला होना चाहते हैं तो अपना किचन बिल्कुल साफ रखिए। एक रिसर्च से ये खुलासा हुआ है कि जब किचन बहुत ज्यादा हौच-पौच रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, यानी कि अखबार टेबल पे पड़ा हो, बर्तन सिंक में रखे हो, इधर उधर फोन की घंटी बज रही हो, तो फीमेल ज्यादा कुकीज खाने लगती हैं और मोटी हो जाती हैं। ये इंटरेस्टिंग रिसर्च ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में किया गया है। जिन फीमेल्स का रसोई घर साफ सुथरा और हर चीज हर जगह पर परफेक्ट ऑर्डर में होती है, उनके मुकाबले जो फीमेल्स खराब रखती हैं किचन को, वो ज्यादा कुकीज यानी कि ज्यादा मीठा खाती हैं और दुगनी मोटी हो जाती हैं। इसलिए अपनी किचन को आप जितना ऑर्गेनाइज रखेंगे आप उतना ही लाइट और अच्छा खाना खाएंगे। देखिए, जब किसी को अचानक भूख लगती है और अचानक लगता है कि बड़ा समय हो गया काम करते हुए भूख लगी है, तो आप किचन खोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता, जो खराब चीज पहले हाथ में आती है, नमकीन बिस्किट, आप वो खा लेते हैं। लेकिन अगर आपकी किचन हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगी और आपको भूख लगेगी तो आपके माइंड को पता होगा कि हेल्दी खाना उस दराज में पड़ा है, वो ही निकाल कर खाओ, तो आप हमेशा फिट रहेंगे। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड किचन आपके माइंड को ऑर्गेनाइज करती है। हर चीज को ऑर्गेनाइज बनाइए। क्या आपके घर को बुरी नजर लगती है? अगर लगता है आपके घर को बुरी नजर से कोई देख रहा है, तो अगली अमावस्या पर थोड़ा सा अपने आप के लिए मेहनत कीजिए और अपने घर को प्रोटेक्ट कीजिए। एक आसान सा उपाय बताने वाली हूँ, इसको अपनाइए और फर्क देखिए। लेकिन इससे पहले हस्बैंड वाइफ से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानिए। आज हम बात करेंगे 9 क्वालिटीज की जो हर पुरुष तलाशता है अपनी पसंदीदा औरत में, यानी कि अपनी पत्नी में। पहला पॉइंट है, पति की बातों को समझे। हर मेल चाहता है कि उसे समझा जाए, ना कि उसे बुरे समय में उसकी दोषी उसकी नेगेटिव बातें उसको सुनाई जाए। वो चाहते हैं कि उनकी आदतें और उनके शौक को जो भी दिक्कत दे रही है, पर उसकी बीवी उसको समझने वाली बात हो और बहुत ज्यादा उसको टॉन्ट नहीं करे। दूसरी बात, वाइफ ड्रामेबाज ना हो, घर की बात को घर तक ही रखे, उसे बाहर ना ले जाए, तमाशा ना बनाए। आपके पति के लिए ये चिंता की बात हो जाएगी और वो आपसे मनी मन घृणा करने लगेंगे। इसलिए अपने गुस्से के समय अपने परिवार वालों को, दोस्तों को ये सारी बातें, हस्बैंड की बुराइयां नहीं फैलाइए। मैक्सिमम मेल सर्वे ये कहता है कि घरेलू पत्नियां चाहते हैं जब वो थके हारे लौटे, चाहे वाइफ वर्किंग हो, लेकिन उनकी पत्नी उनको अपने हाथ से चाय पिलाए, उनका ख्याल रखे, उनको सर्व करे, उनका हालचाल पूछे। एक औरत को ज्यादा केयरिंग एक्सपेक्ट करते हैं मेल। ज्यादातर पुरुषों को अपनी बीवी के हाथ का खाना ही पसंद आता है। आपने वो कहावत तो सुनी है ना कि आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप कभी कभी भी, आप वर्किंग हो सकती हैं, बिजी हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी उनकी पसंद की चीज उनको बनाकर सरप्राइज करेंगी तो उनके दिल पर राज करेंगी। रोमांटिक मेल्स को भी यही अच्छा लगता है जब उन्हें कोई रोमांटिक डिनर पर ले जाए या उन्हें कोई रोमांटिक मैसेज भेजे, कोई अचानक कुछ सरप्राइजिंग एक्साइटिंग बात कर दे, एक साथ टीवी देखकर, एक साथ घर में बैठना, छोटी छोटी बातों पर हक करना। मेल्स को भी ये टच पसंद आता है।
टच वो पहला सेंस ऑर्गन है जो हमारा जागृत होता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है, छोटा होता है, तो मदर का टच ही उसको सबसे पहले मिलता है। इस चीज को हमेशा याद रखें। तो आप कभी कभी सिंपल जेस्चर से भी अपने हस्बैंड को हमेशा बोरियत वाली जिंदगी से दूर कर सकती हैं। जिस तरह फीमेल्स को अपनी जिंदगी में थोड़ी अपनी स्पेस चाहिए होती है, उसी तरह मेल्स को भी कुछ देर के लिए स्पेस चाहिए होती है। आप अपनी मदर के पास जाती हैं, अपनी फ्रेंड्स के पास जाती हैं, गॉसिप करते हैं, मिलते जुलते हैं, आप अपने हस्बैंड से उतनी स्पेस अपने लिए लेती हैं ना, तो उन्हें भी अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेंबर्स के पास, अपनी मदर, अपनी सिस्टर के पास बैठने के लिए स्पेस दीजिए। तभी आपका और उनका रिश्ता गहरा होगा, मजबूत होगा। एक बात और, आपकी वाइफ जो है, यानी कि मेल ये चाहता है कि उनकी वाइफ जो है वो बात को सुनने वाली हो। शायद आप ना जाने पर लड़के किसी भी बात को बड़े ही ध्यान से सुनते और समझते हैं, इसलिए वो भी यही चाहते हैं कि उनका पार्टनर भी उनको सुने, समझे। किसी भी मेल को या किसी भी फीमेल को शांति पसंद होती है। अगर फीमेल चिक चिक करने वाली हो, शांत ना रहे, तो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। इसलिए फीमेल ऐसी हो जो शांत रहे। खास तौर पर खाना खाते समय आपको अपने माहौल में शांति बनाकर रखनी चाहिए। जैसा अन वैसा मन। अगर आप चिक चिक करते हुए सामने वाले को खाना खिलाएंगी या गॉसिप करेंगी, ये काम करेंगी, तो आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं वैसी ही वाइब्रेशन के साथ खाना खाएंगे और वही फ्रस्ट्रेशन आप पर निकालेंगे। घर में आप जो भी पैसा ज्वेलरी रखते हैं, किस डायरेक्शन में रखते हैं, कितनी सोच में पड़ गए आप, आपको ये पता भी नहीं कि आपने किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। गलत डायरेक्शन में रखने से पैसा टिकता नहीं है। असल में वास्तु पर हम ध्यान नहीं देते, इसीलिए इतने परेशान होते हैं। आगे आपको ये खास टिप्स देने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर आपके यहाँ पैसे की तंगी दूर हो सकती है। पर ये बात आगे, अभी तो बात करेंगे बुरी नजर से बचने वाले 7 अचूक उपायों की। बुरी नजर से कैसे बचें आप? क्या आपको लगता है कि किसी ने आपके घर पर टोना टोटका किया है जिसके कारण आपके परिवार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है? तो घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ हम आपको बता देते हैं कि आप सिंपल चीजों से बचकर कैसे अपने आप को नेगेटिव चीजों से दूर रख सकते हैं। अपने घर का मेन दरवाजे पर हमेशा भगवान श्री गणेश की मूर्ति या कोई धार्मिक चिन्ह, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म के किसी चिन्ह को लगाइए। सुबह उठकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद अपने दरवाजे और अपनी दहलीज और अपनी सीढ़ी पर पानी का छिड़काव करें। इससे सारी नेगेटिविटी खत्म होती है, माँ लक्ष्मी का रास्ता बनता है। नीम, बबूल या आम में से किसी पेड़ की टहनी पत्तियों के सहित अपने मेन दरवाजे पर लटकाएं। सैटरडे के दिन 7 हरी मिर्च के बीच एक नींबू काले धागे में पिरोकर अपने हाथ से घर के बाहर लटकाएं। इससे भी बुरी नजर नहीं लगती। हफ्ते में किसी एक दिन घर की साफ सफाई करने के बाद एक बाल्टी पानी में थोड़ी सी शक्कर और 2 चम्मच दूध डालकर कुश से छिड़काव करने पर घर की बुरी नजर उतरती है। जब आखिर में ये पानी बच जाए तो उसे दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। अमावस के दिन, आपको कहा था ना अमावस की वेट कीजिए, अमावस के दिन जरूरतमंद लोगों को खाना जरूर कराएं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार पर हमेशा सिक्योरिटी बनाए रखते हैं।